अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि दीवान मुनक़िद होता है और वहाँ पे सलाहुद्दीन आता है और सुल्तान मोहतरम के सामने खड़े होकर अपना सर नीचे झुका लेता। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उस दीवान में नसरुद्दीन, अमीर रियानी, वजीर अमाद, शिरकू, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी होते हैं। शिरकू सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब देखता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, क्या एक हारी हुई जंग के लिए रियासत के बगावत मोल लेना जरूरी था शहजादा सलाहुद्दीन? आगे से सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अभी हमें शिकस्त नहीं हुई सुल्तान, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे इसी दीवान में मशगूल रखा तो अस्कलान पर लोग कब्जा कर लेंगे। इजाजत दें मैं अपने सारे सरहदी काजियों को जमा करके ले जाऊं। आगे से नसरुद्दीन कहता है, पहले तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा शहजादा सलाहुद्दीन। हम तुम्हें एक मरतबा फिर दीवान के फैसले को पस्त डालकर नहीं जाने देंगे। सलाहुद्दीन कहता है, मैं जो भी कर रहा हूँ इसे रियासत के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी चीज को पसे पोस्त डाला है तो वो दुश्मन की धमकियां हैं। नसरुद्दीन कहता है, दरअसल तुमने दुश्मन की धमकियों को सच साबित कर दिया है। अगर तुम अस्कलान ना जाते तो हाजियों के रास्ते वाला मसला कभी खड़ा ना होता। देखो अब शहंशाह बल्डोन ने वहां अपने सिपाही खड़े कर दिए हैं। शहजादा नसरुद्दीन सही कह रहे हैं। सुल्तान अमीर रियानी कहता है, खलीफा मुतफका हजरत ने आपको खुद ये जिम्मेदारी सौंपी थी। खलीफा मुतफका हजरत ने आपको ये खुद जिम्मेदारी सौंपी थी, इस मामले को क्या हल होगा? सलाहुद्दीन कहता है, शहजादा शहनशाह बाल्डोन एक बार फिर हमें धमकाना शुरू कर दिया है। यह मेरे बारे में नहीं बल्कि असलान और हाजियों के रास्ते को बचाने के बारे में बात होने चाहिए। हमें हमला करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। नसरुद्दीन कहता, अगर हमने एक भी और हमला किया तो कुछ के शहनशाह त्राबलस की हाकिम और अंताकिया की हुकूमत सब लोग एक होकर हम पर हमला आवर हो जाएंगे और हमारे पास इंसाफ का मुकाबला करने की ताकत नहीं। हमारे सुल्तान को एक मुनसफाना फैसला करना होगा ताकि रियासत का खोला हुआ एतबार वापस हासिल किया जाए और शहनशाह बल्डोन के साथ सुलह की जाए। इसके साथ हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब देखते हैं और कहते हैं, अभी तुम्हारा एक भतीजा शहीद हुआ है ना शिरकू, तुम क्या कहोगे? शिरकू कहता है, ये सच है कि मेरा भतीजा एक गलती की वजह से शहीद हुआ है। जिहाद करने वाला शहीद होता है, लेकिन ये मसला निजी नहीं बल्कि रियासी मसला है और हमें सजा का फैसला भी रियासी मफादात के मुताबिक करना चाहिए। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अमीर रियानी की जानिब देखते हैं और वजीर अमाद की जानिब। वजीर अमाद कहते हैं, रियासी फैसलों में गलती की गुंजाइश नहीं होती, मगर एक शहजादे को सजा देना मुनासिब नहीं। हम यहाँ सलीबी जंगों से अपने मुल्क बचाने की बात करें। नसरुद्दीन कहता है, और आप लोग सिर्फ एक शख्स को बचाना चाहते हैं। इंसाफ साफ के लिए बराबर होना चाहिए। पहाड़ों में रहने वाला चरवा और महल में रहने वाला शहजादा साहब बराबर, खास तौर पर जब मामला दीवान के फैसले के खिलाफ बगावत करने पर हो तो कोई ढील नहीं देनी चाहिए। हजारों लोग इस मुल्क के शहरी हैं। हम एक शख्स की बगावत की वजह से हजारों लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। रियासत की बका और सलामती के लिए हमें वही करना होगा जो जरूरी है। सलाहुद्दीन को इंसाफ के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। हम देखते हैं सलाहुद्दीन आगे से कुछ नहीं कहता और अपना सर नीचे झुका कर खड़ा रहता है और सुल्तान उसके जाने देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर महल में अमीर अय्यूब और उसकी जज्जा फातिमा आती हैं। उनके सामने वजीर आता है और कहता है, हमें सुल्तान अय्यूब साहब कहते हैं हमें सुल्तान से मिलना है।
وزیر کے مطابق سلطان محترم دیوان میں ہیں. ایوب صاحب کا احتشام کے حوالے کی حیثیت سے میں بھی دیوان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. وزیر کہتا ہے دیوان شروع ہونے کے بعد شامل ہونا مناسب نہیں ہے امیر ایوب. امیر کہتا ہمیں تمام اصولوں سے واقف ہیں, اگر ہم بات نہ ہوتی تو میں کبھی نہ آتا, ہمیں بھی دیوان میں موقف پیش کرنا ہے. اس کے بعد وزیر آگے سے ہٹ جاتا ہے اور سلاحدین کا والد ایوب صاحب اور فاطمہ آگے چل پڑتے ہیں. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلاحدین کہتے ہیں اس بات میں کسی کو شک نہیں کہ غلطی کی گئی ہے. سلطان کہتا کیا تم اپنے حق میں کچھ کرنا چاہو گے شہزادہ سلاحدین؟ سلاحدین کہتا میں نے جو بھی کیا اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے کیا. صلیبیوں کے لیے اسلامی سازمین پر قبضہ کرنے کا ایک دروازہ اسکلان ہے, میں نے انہیں روکنے کے لیے بطور شہزادہ ایک ذمہ داری لی جس کا نتیجہ منفی نکلا, لیکن میں نے اپنی قوم کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. اور جہاں میں ایک غدار ملزم کی طرح خود پر لگائے گئے الزامات بے قبول نہیں کروں گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نصر الدین شہزادہ صلاح الدین کے جانب دیکھتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں امیر ریحانی کہتا ہے انصاف ارادے کی بنا پر نہیں بلکہ نتائج کی بنا پر کیا جاتا ہے, اور نتائج صاحب کے سامنے اس کا خون بہا ہمارے ریاست نہیں بلکہ ریاست کو اس حال میں ڈالنے والے کو ادا کرنا ہوگا. ادھر ہم دیکھتے ہیں محل میں اس دیوان میں شامل ہونے کے لیے امیر ایوب اور اس کے زوجہ تیزی کے ساتھ آگے چل رہے ہوتے ہیں, اور فاطمہ اس وقت بڑے غصے میں دکھائی دیتی ہے. امیر ریحانی کہتے ہیں آج کا وقت قریب ہے سلطان محترم, ترکستان سے اناطولیہ سے بغداد سے خراسان سے لاکھ مسلمان سفر کے لیے روانہ ہوں گے, اور انصاف کے جان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. شہنشاہ بالڈون نے پہلے آج کے راستے میں اپنی سپاہی تعینات کر دیے ہیں, اس کے ذمہ داران کو منصفانہ طور پر سزا دے دینی چاہیے تاکہ بالڈون پر ہمارا ارادہ آشکار ہو سکے اور وہ مکمل طور پر آج والے راستے کو صاف کر دے, ورنہ بہت خون بہے گا. اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے سلاحدین آگے کچھ نہیں کرتے اور اپنے والد سلطان کے جانب دیکھتے ہیں. ادھر ہم دیکھیں گے امیر ایوب اور اس کے زوجہ تیزی کے ساتھ دیوان کی جانب چلتے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وزیر کا معاشرت ہے, آپ ایک شہزادے کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتے امیر ریحانی. امیر ریحانی کہتا اگر یہ جرم کرنے والے شہزادہ نہیں بلکہ عام انسان ہوتا تب آپ کا فیصلہ کرتے وزیر صاحب. وزیر کہتا آپ کا کہنا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں امیر ریحانی, صاف صاف کہیں. امیر ریحانی کہتا ہم چاہتے ہیں کہ مجرم کو سزا ضرور ملنی چاہیے. نصر الدین کہتا باقی آخری فیصلہ تو سلطان محترم کا ہی ہوگا. سلطان کہتے ہیں شہزادے سلاحدین کیا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ آگے سلاحدین کہتا ہے سرحدی غازیوں کی تنظیم صلیبی جنگ جموں کے وقت سے چلی آ رہی ہے, اور ان کا اولین فریضہ صلیبیوں سے جنگ کرنا اور ان مسلم سازمینوں سے نکالنا ہے. بعد اوقات رسم کو سیاسی مفادات کے لیے مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لیکن ہماری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. تاریخ نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے ہم صرف اسی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ہمارے دادا احمد الدین زنگی کے خلاف جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیا یہ ذمہ داری نہیں لی تھی؟ اگر سے یہ سن کر نصر الدین اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہے. سلاحدین مزید کا اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کیا آج ہم اس حال میں ہوتے ہیں سلطان محترم؟ آج آپ لوگ کمانڈر ہیں, شہزادے ہیں, وزیر ہیں, کیا آپ کے کندھوں پر آپ کی ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی ساری ذمہ داری نہیں لے گا تو پھر اپنے مقصد کو کیسے پورا کریں گے؟ یہ ملک اپنے پیروں پر کیسے کھڑے ہوگا؟
तो हम देखेंगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगे सलाउद्दीन की जानिब देख लेते हैं। इधर हम देखेंगे तेजी के साथ अमीर अयूब और फातिमा दीवान के जानिब चढ़े होते हैं और वो सभी के सभी गुस्से में होते हैं। सलाउद्दीन कहता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बस वही किया जो इस मकसद के असूल के लिए करना चाहिए था। मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि हमें अस्कलान को कुफार के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे सजाए मौत देना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी अपने साथ ली, तो फिर एक लफ्ज भी मजीद नहीं कहूंगा। तो हम देखेंगे दरवाजे पर दस्तक करते कर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते आ जाएं। तो हम देखेंगे अमीर अय्यूब अंदर दाखिल होते हैं और उनको देखकर सुल्तान चौंक जाते हैं और हम देखेंगे एक साथ मुड़कर सलाउद्दीन भी अमीर अय्यूब को देखता है। अमीर अय्यूब अपना सर नीचे झुका अदब करता है और हम देखेंगे दीवान मौजूद सभी लोग अमीर अय्यूब की जानिब देखते हैं। अमीर अय्यूब कहते हैं, सुल्तान मान, शहजादे सलाउद्दीन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया, मेरा लेल तमाशाई बनने पर राजी नहीं हुआ। तो हम देखेंगे सभी के सभी अमीर अय्यूब की जानिब देख रहते हैं। अमीर अय्यूब कहते हैं, और मैंने एक हकीकत जाहिर करने चले आया हूँ। यह सुनकर सिरको सुल्तान की जानिब देखते हैं और गुस्से के साथ सुल्तान सलाउद्दीन के वालिद हकीकी की जानिब देखता है। उसके बाद सलाउद्दीन को ख्याल आता है, सुल्तान को ख्याल आता है और उसने वजीर अमीर अय्यूब से कहा था, वह चीज पर से बुश डाल कर गया था। अयूब साहब कहते हैं, अगर अस्कलान में सलाउद्दीन और उसके भाइयों को कुछ हुआ या रियासत ने सलाउद्दीन को कोई सजा दी तो मैं ये राज जहर कर दूंगा और हर किसी को बता दूंगा कि सलाउद्दीन मेरा बेटा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सुल्तान गुस्से के साथ अमीर अयूब की जानिब देते हैं। और नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है।